अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं रीमा बिलाल और आज मैं विज़िट करने आई हूँ सेव मार्ट। जी हाँ, मुझे कुछ ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग करनी थी क्योंकि रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं आज आई हूँ सेव मार्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस विज़िट को शेयर किया जाए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि एंड में मैं अपनी शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या चीज़ें परचेज़ की और किस किस प्राइस में परचेज़ की, वो एंड पर मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी चलें इसका विज़िट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटर होने के बाद जो है वो यहाँ पे बच्चों का टॉय सेक्शन है, बहुत ही बड़ा, और इसके साथ ही ये क्रॉकरी का सेक्शन है जहाँ पे हर तरह की क्रॉकरी मौजूद है, हर तरह का डिनर सेट आपको मिल जाएगा। चीनी के बर्तन हैं, मार्बल के बर्तन हैं, शीशे के बर्तन हैं, हर तरह के यहाँ पर जो है वो क्रॉकरी मौजूद है। प्लेट्स वगैरह अगर आप लूज़ में लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगे सिंगल पीस पीस के साथ साथ। सेट्स भी हैं, ये बॉल वगैरह के सेट्स भी हैं, ये देखें प्लेट्स के पूरे सेट्स हैं यहाँ पे कंप्लीट, और बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे क्रॉकरी की, और डिफरेंट हर शेप के यहाँ पे बॉल आपको मिल जाएंगे। और ये देखें ये भी कितने खूबसूरत यहाँ पे जो है वो क्रॉकरी है सारी। ये देखें प्लेट्स वगैरह भी हैं यहाँ पर चीनी की, अगर आप लेना चाहें तो सिंगल पीस भी आपको मिल जाएगा यहाँ से, और आप अपना कम्प्लीट सेट भी बना सकते हैं। अगर आप 8 पीस परचेज करना चाह रहे हैं, 6 पीस परचेज करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको लूज़ में यहाँ से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे मग्स वगैरह की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, टी मग्स हैं, और वो भी आपको लूज़ में भी मिल जाएंगे। मीन्स आप 1 पीस भी परचेज कर सकते हैं मग का, और अपना सेट ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। देखें कितनी खूबसूरत ये प्लेट्स हैं, बहुत ही प्यारी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे ये वाली प्लेट्स लगी, और बहुत अच्छी क्रॉकरी है, बहुत बड़ा यहाँ पर क्रॉकरी का सेक्शन है। देखें कितनी खूबसूरत इसकी क्वालिटी है। इसके साथ साथ प्लास्टिक के भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है प्लास्टिक की क्रॉकरी की, और उसके भी जो है वो आपको 1 पीस प्लास्टिक की प्लेट वगैरह का मिल जाएगा। देखें चीनी के कितने खूबसूरत बर्तन हैं, इस तरह के जो है वो बर्तन मुझे वैसे ही पर्सनली बहुत पसंद हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर वैरायटी है। ये देखें ये कितना खूबसूरत प्लेट और बॉल टाइप है, और इसकी प्राइस है 495 इसके प्राइस है। सो बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। और ये वाला जो सेफ मार्ट है ये पिशावर रोड वाला है, पिशावर रोड पर जो सेफ मार्ट की ब्रांच है वो मैं आज विज़िट करने आई हूँ। इसके अलावा पिंडी में और डिफरेंट जगहों पर भी जो है वो इसकी ब्रांचेस हैं। इसके साथ इस्लामाबाद में भी जो है वो सेफ मार्ट मौजूद है। ये देखें यहाँ पर कुछ ये स्टील वगैरह के और सिल्वर के बर्तन भी मौजूद हैं, जिसमें सिल्वर और स्टील की देगचियाँ हैं और हॉट पॉट हैं, और इसके साथ साथ जो है वो प्रेशर कुकर वगैरह हैं। ये देखें देगचियों के सेट हैं पूरे। इसके अलावा सिंगल पीस भी आप देगची का परचेज़ कर सकते हैं, और नॉन स्टिक देगचियाँ भी हैं, नॉन स्टिक फ्राई पैन वगैरह हैं, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है। ये सारे नॉन स्टिक फ्राई पैन वगैरह हैं, ग्रिल पैन हैं, और इसकी भी वैरायटी मौजूद है। और ये देखें ये भी कितने खूबसूरत डेकोरेशन पीस हैं। इसके साथ साथ ये यहाँ पे कुछ ज्वेलरी बॉक्स वगैरह की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन मौजूद है। ये देखें कितने खूबसूरत ये भी सारे ही बर्तन वगैरह हैं और डेकोरेशन आइटम्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ये स्टार्टिंग में ही सेक्शन है, एंटर होने के बाद सबसे पहले बच्चों का टॉयज़ वगैरह का सेक्शन है, उसके बाद ये पूरा क्रॉकरी का सेक्शन है जहाँ पर आपको प्लास्टिक और चीनी के बर्तन, हर तरह का बर्तन आपको मिल जाएगा। ये वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आपको फूड फैक्ट्री वगैरह मिल जाएंगी। इसके साथ साथ ये टेबल्स वगैरह की वैरायटी है, फूड फैक्ट्री है, जूसर मशीन वगैरह हैं, और जूसर ब्लेंडर वगैरह की वैरायटी है यहाँ पे। देखें प्लास्टिक के आइटम्स हैं, उसके साथ साथ स्पून्स की काफ़ी कलेक्शन मौजूद है। और चलें अब कुछ ग्रॉसरी वगैरह मैं परचेज़ कर लूँ। मुझे ये देखें हैंड वॉश लेना था, सो ये मैंने लाइफ बॉय का हैंड वॉश मैं यूज़ करती होती हूँ, तो वो मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिया है। और इसके साथ साथ ये देखें टूथपेस्ट का पूरा ये सेक्शन है जहाँ पे हर कंपनी का टूथपेस्ट आपको मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसका भी यहाँ पे ये पूरा सेक्शन बना हुआ है। ब्रशेज़ वगैरह हैं, टूथब्रश, और हर तरह की चीज़ आपको अंडर वन रूफ यहाँ पे भी मिल जाती है। ये बहुत बड़ा है ये वाला सेव मार्ट भी, पिशावर रोड पर रावलपिंडी में जो है, और यहाँ पर भी हर तरह की कलेक्शन मौजूद है, चाहे वो ग्रॉसरी आइटम्स हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्लोथ्स भी मिल जाते हैं, बच्चों के, बड़ों के, बैग्स वगैरह की वैरायटी है, शूज़ वगैरह
चाय की वैरायटी भी यहाँ पे मौजूद है। उसका एक अलग सेक्शन है। ये मैं अभी यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर हूँ और उसका एक बेसमेंट में जो है वो आपको क्लोथ्स वगैरह और शूज़ और ज्वेलरी वगैरह की कलेक्शन मिल जाएगी। इसके साथ साथ फर्स्ट फ्लोर पर आपको डेकोरेशन आइटम्स की कलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखें, ये पूरा बिस्किट्स वगैरह का सेक्शन है जहाँ पर हर तरह के बिस्किट्स मौजूद हैं। हर कंपनी का बिस्किट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये चाय की पत्ती का सेक्शन है। मुझे चाय की पत्ती भी यहाँ से परचेज करनी थी तो मैंने यहाँ से सुप्रीम का पैकेट ले लिया, ये पाउच, क्योंकि मैं सुप्रीम जो है वो यूज़ करती होती हूँ। सो मैंने यहाँ से सुप्रीम का पाउच ले लिया है। और अब कुछ बिस्किट वगैरह की मुझे बिस्किट्स लेने थे तो चलें बिस्किट्स देखते हैं। मैं कुछ ग्रॉसरी जो है वो सेव मार्ट से परचेज करती होती हूँ, कुछ इम्तियाज़ से परचेज़ करती होती हूँ। कुछ रेट मुझे सेव मार्ट के अच्छे लगते हैं, कुछ रेट मुझे जो है वो इम्तियाज़ के रीज़नेबल लगते हैं। तो कभी मैं सेव मार्ट से कुछ ग्रॉसरी लेती हूँ, कभी मैं इम्तियाज़ से लेती हूँ। आज मैं सेव मार्ट आई थी तो मैंने सोचा कि मैं सेव मार्ट का विज़िट आप लोगों को भी करवाऊँ। इससे पहले मैंने इम्तियाज़ का विज़िट किया था, वो भी मैंने जो है आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी मेरी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, जहाँ पर मैंने आपको इम्तियाज़ का जो है वो विज़िट करवाया था, जो कि मेन जीटी रोड पर है और काफ़ी बड़ा वो भी बना हुआ है। उसमें भी टू फ्लोर्स हैं और उसका भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट विज़िट करवाया था। तो मेरी वो वीडियो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और यहाँ पे ये देखें, डिफरेंट जैम्स वगैरह की बॉटल हैं। ये नेशनल का एप्पल जैम मैं ले चुकी हूँ क्योंकि मैं ये यूज़ करती होती हूँ, तो ये मैंने यहाँ से ले लिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट चिली सॉस, कैचअप्स वगैरह की भी वैरायटी मौजूद है। डिफरेंट तरह के सॉसेज हैं, अगर आपको जो भी आपको अपने सॉस परचेज़ करना हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये टमाटो कैचअप चिली सॉस इस की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। ये मैं कनोर का चिली गार्लिक यूज़ करती हूँ तो मैंने वो यहाँ से ले लिया है। और वैसे ही रमज़ान में चिली सॉस और टमाटो कैचअप वगैरह की बहुत ज़्यादा नीड होती है, सो मैं यहाँ से कनोर का चिली गार्लिक ले चुकी हूँ। और इसके आगे मायोनीज़ वगैरह का भी सेक्शन है, मुझे मायोनीज़ भी परचेज़ करनी है सो चले मायोनीज़ लेते हैं। अब इसके चिकन स्प्रेड वगैरह भी हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के मायोनीज़ हैं, लेकिन मैं जो यंग्स का मायोनीज़ यूज़ करती हूँ, ये नेशनल का मायोनीज़ भी है लेकिन मैं यंग्स का मायोनीज़ यूज़ करती हूँ, सो मैंने वो यहाँ से उसका पाउच भी ले लिया है। मायोनीज़ भी की भी काफ़ी नीड होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्नैक्स वगैरह के साथ वो यूज़ होता है तो रमज़ान में उसकी भी काफ़ी नीड होती है, सो मैंने वो भी यहाँ से ले लिया है। और चलें अब आगे कुछ ग्रॉसरी के आइटम्स लेते हैं। और वैसे ही रमज़ान अब आने वाले हैं तो अगर आप भी रमज़ान की शॉपिंग कर रहे हैं तो आप रावलपिंडी में रहते हैं तो आप इस यहाँ सेव मार्ट का विज़िट भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, इसके साथ साथ इम्तियाज़ का भी विज़िट कर सकते हैं। मुझे मैक्रोनीज़ भी यहाँ से लेनी थी क्योंकि मैक्रोनीज़ भी मुझे बहुत पसंद है, तो लेकिन मुझे जो है वो मैक्रोनी जिस तरह की मैं यूज़ करती होती हूँ वो मुझे यहाँ से नहीं मिली। मीन्स मैं बेक पार्लर की लेती हूँ शेल शेप की, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी तो वो मैं नहीं ले सकी। तो चले अब कुछ पॉरेज वगैरह मुझे लेना था, वीट पॉरेज, तो उसके भी पाउचेज यहाँ पे मौजूद हैं। ये मैं पाउच लेती हूँ तो ये मैंने यहाँ से ले लिया है वीट पॉरेज। और ये कुछ जो है वो मौजूद हैं, ये टॉपिंग वगैरह के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और चॉकलेट में अगर आप लेना चाहें तो ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। और हर तरह की वैरायटी मौजूद है, अंडर वन रूफ आपको यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल जाती है। ग्रॉसरी आइटम्स तमाम मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। इसके साथ साथ ये ऑयल वगैरह का सेक्शन है जहाँ पर हर तरह का ऑयल मौजूद है। और मैंने मसाज के लिए लेना था ऑलिव ऑयल, बोर्जेस का मैं यूज़ करती हूँ तो बोर्जेस का मैंने ऑलिव ऑयल यहाँ से ले लिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी बहुत बड़ा सेक्शन है, और कुकिंग ऑयल अभी मुझे नहीं लेना है, सो ये पूरा कुकिंग ऑयल का सेक्शन है जहाँ पे हर कंपनी का कुकिंग ऑयल आपको यहाँ से मिल जाएगा। पाउच भी मिल जाएंगे लूज में, इसके साथ साथ पूरा कार्टन भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। चलें अब आगे चलते हैं क्योंकि मुझे ऑयल और घी अभी नहीं लेना और वो मैं ले चुकी हूँ तो मैंने आगे जाना है। ये सेक्शन है, यहाँ से मैंने सूजी लेनी थी, सूजी ले ली है। ये पूरा दालों का सेक्शन है, यहाँ पे हर तरह की दाल मौजूद है और इनकी दालें भी बहुत अच्छी होती हैं। मीन्स बहुत साफ़ सुथरी होती हैं कि उसे साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और तो मैं यहाँ से ही दालें वगैरह मोस्टली ले लेती हूँ या इम्तियाज़ से भी ले लेती हूँ। और ये देखें, ये मूँग की दाल है और ये भी कितनी साफ़ सी है। इसके साथ साथ ये दाल है, माश की दाल है, ये माश की धुली दाल है। ये इसका मैंने एक पैकेट ले लिया, 1 kg के मोस्टली पैकेट हैं, हाफ के जी का भी पैकेट यहाँ पे मिलता है लेकिन मैंने 1 kg के पैकेट्स लिए हैं। और ये जो दाल है ये चने की दाल है, और ये दाल चना भी मैंने ले लिया है 1 kg का पाउच। और इनकी दालें बहुत ही अच्छी फ्रेश और बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं कि मीन्स आपको साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये पूरा दालों का सेक्शन है जहाँ पर हर तरह की दाल मौजूद है। और ये देखें, ये भी जो है वो
मसूर की दाल है और इसका भी मैंने एक पाउच ले लिया है 1 kg का। और इसके साथ साथ अब मैं कोई आई थिंक सारी दालें मैं ले चुकी हूँ। सो ये वाली दाल रह गई थी, ये छिलका माँच की दाल है, ये भी मैं लेती हूँ। इसका मैंने 1/2 kg का पाउच लिया है, 1 kg का नहीं लिया, 1/2 kg का लिया है। और ये देखें ये छिलका माँच दाल है। और चलें अब आगे चलते हैं, दालें मैं ले चुकी हूँ, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। और दालों के नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वो है मसालों का। यहाँ पर हर तरह के मसाले मौजूद हैं जो खुले पैकेट में मौजूद हैं। एक तो कंपनी के पैकेट्स जो आते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये खुले वाले जो होते हैं जो सेव मार्ट की अपनी पैकिंग होती है वो वाले मसाले भी यहाँ पे मौजूद है। सो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें हर तरह का गरम मसाला मौजूद है। इसके साथ साथ हर तरह के मसाले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो मैंने यहाँ से लेना था, वैसे मैं मुझे अभी मसालों की इतनी नीड नहीं थी। सो मैंने जो है वो जस्ट यहाँ से इलायची मैं यहाँ पे देख रही थी, क्योंकि मुझे ग्रीन वाली इलायची परचेज़ करनी थी। सो वो मैंने यहाँ से एक पैकेट ले लिया है इलायची का, क्योंकि वो इम्तियाज़ से भी मैंने कुछ ले लिया था, कुछ मसाले वगैरह, तो इलायची नहीं ली थी, तो मैंने यहाँ से इलायची ले ली है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको चावल देखें, ये राइस वग़ैरह की भी कलेक्शन मौजूद है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, हर तरह के वनस्पति राइस वग़ैरह। इसके साथ साथ हर्बल कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और सिरप वगैरह हैं, इस्पागोल वगैरह है, और ये सारी जो है वो हर्बल चीज़ों का सेक्शन है। सल्फ्यूर टैबलेट है, जो जौहर जशांदा भी है यहाँ पर। और चलें आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर मौजूद है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पूरा सेक्शन है। ये देखें कितने फ्रूट्स रखे हुए हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं सारे, और ये भी आप यहाँ से खुद ही शॉप पर लेके परचेज़ कर सकते हैं। ये वेजिटेबल का सेक्शन है जहाँ पे हर तरह के वेजिटेबल्स भी आपको फ्रेश मिल जाएंगे, और आप ख़ुद यहाँ से चूज़ करके शॉपर में ले कर वेट करके और ले सकते हैं। और ये सब यहाँ पर मौजूद है, देखिए अदरक है, लहसुन है, टमाटर है, और शिमला मिर्च है, मटर वगैरह हैं, और प्याज है, हरी प्याज है, हर तरह की यहाँ पे सब्ज़ी आपको मिल जाएगी। और सब फ्रेश सब्ज़ी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, और हर तरह की सब्ज़ी यहाँ पे मौजूद है। के साथ साथ फ्रूट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो सीज़न के फ्रूट्स चल रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। देखेंगे गोश्त का सेक्शन है जहाँ पर आपको मटन, बीफ एंड चिकन तीनों तरह का जो है वो गोश्त यहाँ से मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ से फ्रेश भी कटवा के ले सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेश कट करके भी यहाँ से देते हैं, जितना आपको चाहिए उतना वो आपको दे देंगे। ये पूरा ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है जहाँ पर ये खुले ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ इनके पैकेट भी बने हुए होते हैं ड्राई फ्रूट्स के, लेकिन मैं यहाँ से परचेज़ करती हूँ जो कि खुले मैं खुद देख के लेती हूँ, क्योंकि पैकेट्स में पता नहीं होता कि कब से जो है वो पैकेट्स बने हुए हों और कितने पुराने हों, तो मैं यहाँ से जो है वो खुले खुद से वेट करवा के लेती हूँ। और यहाँ पर भी ड्राई फ्रूट्स की हर तरह की वैरायटी मौजूद है, और प्राइसेस भी मेंशन है साथ साथ। सो आप यहाँ से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप लेना चाहें ले सकते हैं, इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ज़्यादा ही लेना है, आप कम भी क्वांटिटी में यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सारे फ्रोज़न मीट वग़ैरह का सेक्शन है, ये जो फ्रीज़र रखे हुए हैं डिफरेंट कंपनी के, यहाँ पर फ्रोज़न चीज़ें हैं लाइक सबरोसो की, केएनएनस की, ये देखें सबरोसो का फ्रीज़र है, हर कंपनी का यहाँ पर फ्रीज़र रखा हुआ है, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है। अगर आप वो लेना चाहें, कबाब लेना चाहें, शामी कबाब, सीख कबाब, नगेट्स वगैरह, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रेंज यहाँ पर मौजूद है, और हर कंपनी का मौजूद है, रेट्स भी यहाँ पे साथ लगे हुए होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे होममेड चीज़ें भी मिल जाती हैं, उसका भी एक फ्रीज़र है, वहाँ पे होममेड मतलब घर की बनी हुई चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। ये पैकेट्स वाले मसाले हैं और नेशनल के, शान वगैरह के, सो मुझे ये भी यहाँ से परचेज़ करना था कोई, तो वो भी मैं यहाँ से लेने लगी हूँ। नेशनल का कढ़ाई गोश्त मैंने लिया है, ये भी मुझे बड़ा पसंद है, और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कढ़ाई में, सो मैंने वो भी यहाँ से ले लिया। इसके साथ साथ ये शान का चाट मसाला मैं यूज़ करती हूँ, वैसे ही रमज़ान में चाट मसाले की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर चीज़ में चाट मसाला आपको डालना पड़ता है, तो वो भी मैंने यहाँ से ले लिया है। इसके साथ साथ ये स्लीपर्स वगैरह भी इन्होंने कुछ लगाई हुई हैं, लेकिन स्लीपर्स और क्लोथ्स वगैरह का पूरा एक सेक्शन यहाँ पर है। ये बेड शीट्स जो हैं ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की लाइक गुल अहमद की है, चैन वन की है, एजेंट रोप वगैरह की बेड शीट्स की भी यहाँ पर कलेक्शन मौजूद है। और इसके साथ साथ कुशन्स वगैरह की भी कलेक्शन है, और हर तरह का कुशन कवर
भी आपको मिल जाएगा हर साइज़ में, और यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मैट्स वगैरह की भी यहाँ पे कलेक्शन है, रग्स हैं, मैट हैं, ये भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाह रहे हो अपने ईद वगैरह के लिए तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बैग्स वगैरह की भी देखिए, इन्होंने कुछ ये ग्राउंड फ्लोर पर लगाए हुए हैं, लेकिन इसका एक पूरा सेक्शन है बेसमेंट में। और लेकिन अभी मैं सिर्फ ग्रॉसरी वगैरह शॉपिंग करने आई थी और मुझे बैग्स और क्लोथ्स वगैरह की शॉपिंग नहीं करनी, तो मैं जस्ट ग्राउंड फ्लोर से ही शॉपिंग कर रही हूँ। मैं आपको जस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि यहाँ पे बैग्स वगैरह की भी काफ़ी कलेक्शन मौजूद है, लेकिन वो बेसमेंट में पूरा एक सेक्शन है जहाँ पे बैग्स भी हैं, क्लोथ्स वगैरह भी हैं, शूज़ भी हैं, ज्वेलरी वगैरह है, बच्चों के भी हैं, किड्स के भी क्लोथ्स और शूज़ वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैंने वहाँ जाना नहीं है क्योंकि मैं जस्ट ग्रॉसरी परचेज़ करने आई हूँ, तो मैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से ही जो है वो ग्रॉसरी यहाँ से परचेज़ कर रही हूँ। जस्ट आपको एक रिव्यू दे रही हूँ कि किस तरह की यहाँ पे बैग्स वगैरह की कलेक्शन मौजूद है। ये कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के आइटम्स मौजूद हैं, और ये लोशंस वगैरह हैं, फेस वॉशेज हैं, और मुझे यहाँ से फेस वॉश भी लेना था, तो पॉन्ड्स का फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ तो वो मैं यहाँ से ले चुकी हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पे हर ब्रांड के जो हैं वो फेस वॉशेज मौजूद हैं और लोशंस वगैरह मौजूद हैं। कॉस्मेटिक्स भी ये देखें, पूरा कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है जिसमें आपको यहाँ से हर तरह का फाउंडेशन, फेस पाउडर, लिपस्टिक वगैरह यहाँ से मिल जाएगी। और इसके अलावा ब्रांड्स के भी यहाँ पे कॉस्मेटिक्स मिल जाएगी, लोकल ब्रांड भी मिल जाएगा और ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। और ये भी एक सेक्शन है जिसमें जो है वो वॉशिंग वगैरह की चीज़ें मौजूद हैं। और चलें आप बिलिंग की तरफ चलते हैं, और मेरी ग्रॉसरी की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पे बिलिंग का ये सेक्शन है जहाँ से आप बिलिंग करवाते हैं, और बिलिंग का ये यहाँ से बिलिंग वगैरह हो जाती है, और ये जो है वो यहाँ से ये बिलिंग कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और फिर मैं घर जाके आपको अपना सारी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से कौन कौन सी ग्रॉसरी और किन किस प्राइस में यहाँ से परचेज़ की, प्राइजेस के साथ फिर मैं आपको अपनी ग्रॉसरी जो है वो सारी शेयर करूँगी। सो अभी हम वेट करते हैं कि ये बिलिंग कर लें। बिलिंग की तरफ ही यहाँ पर देखें, ये भी सेक्शन है और आइसक्रीम्स वगैरह भी यहाँ से मिल जाती हैं, आप लेके खा भी सकते हैं और फिर बिलिंग भी करवा सकते हैं इसके साथ साथ। और ये यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कुछ ये मक्खन वगैरह, बटर की कलेक्शन भी है, बच्चों के चिप्स वगैरह भी हैं, और इसके साथ साथ ये भी जो है वो बिस्किट्स तो मैंने आपको दिखा दिए थे। स्नैक्स वगैरह का सेक्शन है जहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी बच्चों की, और साथ साथ यहाँ पे चिप्स वगैरह की भी वैरायटी मौजूद है, तो अगर आप बच्चों के लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह लेना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से यहाँ मिल जाएंगी। इसके साथ यहाँ स्टेयर्स हैं, अगर आप ऊपर जाते हैं तो सारा डेकोरेशन आइटम्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ये देखें, ये भी सारे फ्रिज वगैरह रखे हुए हैं जिसमें आपको चीज़ यहाँ से मिल जाएगी, मोज़ेरेला चीज़, शेडर चीज़, इसके साथ साथ बटर, मार्जरीन वगैरह की भी वैरायटी यहाँ से मिल जाएगी। मुझे अभी नहीं लेने थे क्योंकि मैं इम्तियाज़ से वो भी ले चुकी थी, तो मैंने वो अभी नहीं लिए। ये चॉकलेट्स वगैरह की भी है, तो मैंने कहा आपको एक गो थ्रू कर दूँ कि इस साइड पर भी ये चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ये भी परचेज़ कर सकते हैं। चलें अब हम बाहर आ चुके हैं सेव मार्ट से, और यहाँ से हमने एग्ज़िट कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। जी, ये है मेरा शॉपिंग हॉल। ये मैंने सेफ मार्ट से ये अपनी ग्रॉसरी वगैरह जो है परचेज़ की है। ये सारी हैं वो कुछ यूँ हैं कि मैंने जो वीट पॉरेज लिया है वो 421 का वीट पॉरेज है। ये जो वीट पॉरेज है ये है 421 का मुझे यहाँ से मिला है। और इसके साथ साथ जो है वो जो माश की छिलका दाल है वो 200 की है। यहाँ पे ये माछ की जो छिलके वाली दाल है ये 200 की है, 200 की माछ छिलका है ये, और 400 के मुझे ये 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं। इसके साथ साथ जो है वो मसूर की जो साबुत वाली मसूर की दाल है वो 265 की है, ये वाली जो है 265 का एक पैकेट है ये 265 का, और जो है वो 2 पैकेट्स मैंने ये लिए हैं। एक पैकेट 265 का है और 1 kg का ये मुझे यहाँ से मिला है। इसके साथ साथ जो है वो
मूंग की जो दाल है वो 290 की है, ये जो मूंग की दाल है 1 kg की, ये 290 का 1 kg का पैक है और इनकी दाल बहुत ही साफ सुथरी होती है। 290 का ये एक पैकेट है, 1 kg इसके जो है वो वेट है। इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको प्राइस बताती रहती हूँ, बल में बोल रही थी इसकी प्राइस दिस वन, और ये 270 की एक 1 kg है और मैंने 2 पैकेट इसके भी लिए हैं चने की दाल। पाउच है 1324 सुप्रीम का और मैंने 2 पाउच लाइफ बॉय का जो है वो हैंड वॉश में यूज़ करती होती हूँ। ये 598 का हैंड वॉश है और ये भी जो है वो बड़े साइज़ वाला पाउच है 598 का, और इस पर भी डिस्काउंट 209 है लेमन मैक्स के प्राइस, और मैंने 2 बॉटल्स इसकी ली हैं। और ये है बिग साइज़ की बॉटल है और इसका वेट है 475 ml की ये बॉटल है, 209 इसके प्राइस। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इससे कढ़ाई वगैरह में आप डालें तो ये 123 का ये नेशनल कढ़ाई गोश्त है, इसके अंदर 2 पैकेट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये है 123 का ये पूरा है जिसमें 2 आपको पैकेट्स मिल जाएंगे, और अगर आप कढ़ाई वगैरह में इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 311 का मायोनीज़ का पाउच है, 311 का और 500 ml इसका वेट है और 311 इसके प्राइस है, और 311 के ये मायोनीज़। यहाँ से कनौर का चिली गार्लिक मैं यूज़ करती होती हूँ, ये कनौर का चिली गार्लिक के प्राइस है 337 है इसके प्राइस, और ये भी 1 kg का पाउच है, 337 इसके प्राइस है कनौर के, और बहुत ही मुझे कनौर का ही चिली गार्लिक सबसे अच्छा लगता है, और किसी कंपनी का मुझे इतना जो है वो टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये है रोज़ पैटल का किचन रोल मैं यूज़ करती होती हूँ, तो इसके प्राइस हैं 401 इसके प्राइस हैं, और इसमें 2 रोल आपको जो है वो मिल जाते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब सही सबसे अच्छा मुझे जो किचन रोल है वो ये रोज़ पैटल का लगता है, और इसके 401 का ये मुझे यहाँ से। इसके साथ साथ ही मैंने कुछ बिस्किट्स वगैरह भी लिए हैं, कोकोमो है, चॉकलेटो है, ये 200 का चॉकलेटो का जो है वो बॉक्स है, और इसमें 16 का ये पैक है, 16 इसमें बिस्किट्स के पैक है, ज़ीरा प्लस मैंने लिया है, और ये कुछ जो है वो कैरमल क्रंच पॉपकॉर्न है, ये भी बहुत टेस्टी होते हैं, ये मैंने लिए हैं यहाँ से। सूजी ली थी है, और ये मैंने लिया है पॉन्ड्स का जो है वो वाइट ब्यूटी, और ये है क्लेंजिंग, ये मुझे बहुत ही जो है वो अच्छा ये क्लेंजिंग मिल्क लगता है, और इसके प्राइस हैं 448 इसके प्राइस हैं, ये बहुत ही अच्छा क्लेंजिंग मिल्क होता है पॉन्ड्स का, और इसके प्राइस हैं 448। साथ मैंने ये यहाँ से जो है वो देसी घी भी लिया है, ये पाक प्योर वालों का देसी घी बहुत ही अच्छा होता है, और ये मैंने सारे विंटर में यही देसी घी यूज़ करती होती हूँ पाक प्योर का, और इसके प्राइस अभी इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी, वैसे ये 1700 समथिंग का है, लेकिन अभी ये 1445 का मुझे यहाँ से मिला है, और बहुत ही अच्छा ये देसी घी रहता है। और सो ये है मेरी शॉपिंग और ग्रॉसरी की जो मैंने आज सेव मार्ट से की है, और ये सारे ड्राई फ्रूट भी मैंने लिए हैं, जो मैंने ड्राई फ्रूट का सेक्शन आपको दिखाया था वहाँ से, ये मैंने आलमंड और ये किशमिश और काजू वगैरह परचेज किए हैं ये वहाँ से, और वहाँ से बहुत अच्छी और फ्रेश जो है वो ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, क्योंकि पैकेट वाले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें वो फ्रेशनेस नहीं होती जो ये आप खुले वहाँ से आप लें, तो आपको बहुत रीज़नेबल भी पड़ते हैं और बहुत फ्रेश इनकी क्वालिटी होती है। सो ये मेरी सारी आज की ग्रॉसरी थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।